आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चटपटे क्रिस्पी मसाला आलू की रेसिपी। आप इसे 5 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं और मैंने इसको यहाँ पर कच्चे आलू से बनाकर तैयार किया है। फिर भी मेरे ये आलू 5 मिनट के अंदर बनकर तैयार हो गए हैं। आप चाहें तो इसे चपाती के साथ में सर्व कीजिए, पराठे के साथ में सर्व कीजिए या एज ए स्नैक्स भी आप इसको खा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से आज की इस रेसिपी को। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये 4 कच्चे आलू लिए हैं। मैंने इसको अच्छी तरह से धोकर ले लिया है। इसके बाद में हम इसका छिलका अलग कर देंगे और इसको पीसेस में काट लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर उबले हुए आलू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसे बनाने में आपको केवल 2 मिनट लगेंगे। अब मैं इसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े पीस नहीं कर रही हूँ, छोटे पीस में मैं इसको कट कर रही हूँ ताकि हमारे जो आलू हैं वो बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से मैंने सभी आलू को काट कर तैयार कर लिया है। इसके बाद में हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे आपको 2 से 3 बार पानी डालकर अच्छे से धोना है ताकि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा स्टार्च है वो निकल जाए। जो ये वाइट वाला पानी आपको इसके अंदर दिखाई दे रहा है तो ये नज़र नहीं आना चाहिए। 2 से 3 बार पानी डालकर मैंने इसको धो लिया है और आप देख सकते हैं एकदम साफ पानी ये नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लेना है जिसके ऊपर की इस तरह से आलू डालिए और इसको अच्छी तरह से इसके ऊपर से जो पानी है तो उसे पोंछ दें। आप बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल आराम से कुछ ही सेकंड के अंदर इसका पानी बिल्कुल अच्छे से सूख जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने एक पैन को गैस पर रख दिया है। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच तेल। आप चाहें तो तेल इस्तेमाल करें या घी भी ले सकते हो, बच्चों के लिए बना रहे हो और भी ज़्यादा हेल्दी रहेगा तो यहाँ पर देसी घी भी ले सकते हो। बहुत ज़्यादा तेल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। तो 2 बड़े चम्मच तेल को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरे को अच्छी तरह से ब्राउन हो जाने दें। जैसे ही जीरा हल्का सा ब्राउन हो गया है, आप देख सकते हैं जीरा ब्राउन हो चुका है, तो अब मैं इसके अंदर ये आलू डाल दूँगी। आलू के अंदर जो पानी होता है उसको पहले सुखाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नहीं तो इससे छींटे आएंगे और छींटे आपके ऊपर लग जाएंगे। तो यहाँ पर आपको केयरफुली ये काम करना है। अब गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और इसे कवर करके तब तक पकाएंगे तब तक कि आलू जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट ना हो जाए। बीच बीच में आप इसको 1-2 बार उलटते पलटते रहिए। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जैसे आलू हल्का सा फ्राई होने लगेगा तो जो जीरा है वो इसके साथ में अच्छे से चिपक जाएगा। अभी पहले आपको इसके अंदर मसाले नहीं डालने हैं। जैसे आपका आलू अच्छी तरह से फ्राई हो जाए उसके बाद में भी अगर आपको इसे क्रिस्पी बनाना है तो आप इसे हाई फ्लेम पर कुछ मिनट के लिए फ्राई कर लीजिए। हाई फ्लेम पर ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको लगातार चलाते हुए कुछ मिनट के लिए क्रिस्पी कर लूँगी और उसके बाद मैं इसके अंदर मसाले ऐड करूँगी। जैसे ही आलू पककर सॉफ्ट हो जाता है उसके बाद हाई फ्लेम पर आप इसको लगातार चलाइए तो बहुत जल्दी आलू आपके क्रिस्पी हो जाएंगे। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डाल रही हूँ तो टेस्ट के हिसाब से थोड़ा नमक डाल दें, 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दें, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल दें, तीखा आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। धनिया पाउडर आपको 1 छोटा चम्मच डालना है, जीरा पाउडर 1/2 छोटा चम्मच डालना है। 1/4 छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने यहाँ पर गरम मसाला ऐड किया है। आप चाहें तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्ज़ियाँ खाना पसंद करते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर अमचूर पाउडर ना डालकर मैंने यहाँ पर ये नींबू का रस ऐड किया है। तो यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस इसके अंदर डाल दिया और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे तो आप देखेंगे मसाले अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे, इसके साथ में जलेंगे नहीं। बस 1 मिनट के लिए मसालों के साथ में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद में आप चाहें तो इसके अंदर बारीक कटा हरा धनिया डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और गर्मा गर्म और बहुत ही टेस्टी क्रिस्पी हमारे यहाँ पर ये मसाला आलू सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप चाहें तो इसको रोटी पूरी पराठे के साथ में सर्व कर सकते हैं या एज ए स्नैक्स भी आप इसको खा सकते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, 5 मिनट के अंदर बहुत ही टेस्टी हमारे यहाँ पर ये मसाला आलू बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसे बच्चों के टिफिन में सर्व करें या फिर जब भी आपका मन करे कुछ चटपटा सा खाने का तो मिनटों में बना सकते हो। प्लीज़ आप इसे ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।